बचपन के वो खेल गजब थे, बचपन की कुछ बातें थी। कंधे पे सवार स्कूल का बस्ता, खुशबू वाली किताबें थी, किताबें जिनमें कैद थी दुनिया, दुनिया जो रंगीन थी, रंग लाल सफेद मेहरूनी, वो यादें कितनी हसीन थी। मुझे याद है दोनों विश्व युद्ध, कब पोरस लड़े सिकंदर से, साइंस को थोड़ा पकड़ लिया था लेकिन एलजेब्रा निकला सर के ऊपर से, ज्योग्राफी ने खूब घुमाया, हैरान किया था सिविक्स ने हमको, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री और मैथमेटिक्स ने मार डाला हम सबको। पाइथागोरस के बाद कुछ समझे, इतनी अपनी किस्मत कहाँ थी, और टीचर से सवाल करें, इतनी हम में हिम्मत कहाँ थी। अंतरिक्ष कैसा दिखता होगा देखने की हमेशा ख्वाहिश होती, टेक्स्ट बुक, डाइजेस्ट, गूगल, इनसे कॉपी करने की साजिश होती। ब्लैक बोर्ड था अपना कैनवस, चौक के रंग से भर जाता, लंबा होमवर्क, ढेर सारी यादें, लेकर हर कोई घर जाता। और ऐसे में जब कुछ सवाल सर खा जाते या बाल नोच लेते, दोस्तों को बहाने से घर बुलाते या फिर फोन पर ही पूछ लेते। ऐसे ही 10 साल गुजारे, जैसे रेत फिसली हो हाथों से, अब भी चेहरा खिल उठता है बस्ता किताब की बातों से। खैर अब तो ब्लैक बोर्ड की पढ़ाई और नोटबुक की लिखाई से ध्यान सबका है हट गया, जो कुछ भी सीखना सिखाना है एक स्क्रीन पर आकर सिमट गया। अब चाहे देखने हो अंतरिक्ष के सितारे या नजर रखनी हो गलियों पर, स्कूल घर तक आ पहुंचा है और किताबें उंगलियों पर। अब क्लास अगर छूट जाए तो भी घर बैठे सब सीख लीजिए, बादल बारिश सिर्फ सोचिए मत, कैसे बनते हैं देख लीजिए। अब विज्ञान तुम्हें हैरान करे या ज्योमेट्री फिर से परेशान करे, सवाल पूछिए जितना चाहे, समझदारी की उड़ान भरे। आखिरी दिन पर पढ़ाई छोड़कर वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं, फॉर्मूले थ्योरी सब समझ लीजिए, सिर्फ याद करने की कोई जरूरत नहीं। स्कूल वही और सिलेबस वही, बस पढ़ने का तरीका बदला है, हमारी सीखने की आदत नहीं बदली, सिखाने का सलीका बदला है। बस्ते वाला स्कूल हो या फिर नए दौर की पढ़ाई हो, दोनों का हुनर एक साथ सीख लीजिए। इतिहास सिर्फ पढ़िए नहीं, बायजूस के साथ इतिहास लिख दीजिए। इफ यू लाइक दिस पोएम प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू कॉम्यून्स यूट्यूब चैनल फॉर ग्रेट पोएम्स एंड ग्रेट स्टोरीज एंड लॉट्स ऑफ फन।